के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सप्ताह का महासमर और चर्चा कर रहे हैं सियासी ऋण 2024 में सेकंड फेज के राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 70 से 75% आदिवासी आबादी है और इसी वजह से इस क्षेत्र की ज्यादातर विधानसभा सीटें हैं वो भी आदिवासी रिजर्व हैं, यानी कि एसटी रिजर्व हैं। लेकिन ये सीट राजस्थान के लिए बहुत ही रोचक मुकाबले वाली सीट है। कांग्रेस से 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद ने ही बीजेपी का दामन थाम लिया कांग्रेस छोड़ के। अभी विधायक का चुनाव भी जीता उन्होंने, जहां से अभी बाई इलेक्शन भी हो रहा है और सामने मुकाबला बीजेपी से है जिसमें कांग्रेस ने गठबंधन किया। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो मैदान में, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि एक दिन पहले, जब चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक एक दिन पहले ही किसी होटल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच चर्चा हुई है और उसमें कहा गया है कि कोई भी कांग्रेस का नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए काम नहीं कर रहा है, ना ही उसका कोई सहयोग कर रहा है और वो खुद बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे तो बीजेपी के साथ सब लोग लग रहे हैं। खैर, मुकाबला काफी रोचक है तो इसमें सीधी फाइट हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और बीजेपी के बीच रहेगी। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि उन प्रत्याशियों को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ फिलहाल प्रभु पंड्या जी बीजेपी से जुड़े हैं। प्रभु जी, क्या लग रहा है ये इस बार, थोड़ा सा आप लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि महेंद्र जी सिंह मालवीय के खिलाफ हम लोग बोलते थे, अब महेंद्र जी सिंह मालवीय जिंदाबाद करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीति में ये सब चल रहा है जी। मालवीय इस वागड़ क्षेत्र के बड़े नेता में से नाम है और उनका पूरे इस वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला जो वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है उसमें अच्छा प्रभाव है और महेंद्रजीत मालवीय जी अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे जब इनको राम मंदिर अयोध्या जाने का जब उस समय निमंत्रण मिला और कांग्रेस ने इसको रोका और इससे व्यथित होकर के इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा ही नहीं दिया। अपने कांग्रेस विधायक पद से, जीता हुआ विधायक का पद था जो 40,000 वोटों से जीता था। प्रभु जी एक चीज बताइए, उसके बाद में जाके आए क्या अयोध्या? ये अयोध्या तो इसके बाद तो जब ऐसी स्थिति बनी कि अयोध्या जा नहीं पाए, मुझे इनकी जानकारी नहीं है लेकिन इनकी बहुत श्रद्धा है। ये हमारे यहाँ पे बेणेश्वर धाम है तो हमारे गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान का बहुत ही बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ के बड़े भक्तों में से ये है और ये लगातार यहाँ पे इसके विकास के लिए जितना भी काम कर सकते हैं वो पिछले लंबे समय से अपने जिस दल में रहे हो, कांग्रेस में रहे, लेकिन इस सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम भी इनके माध्यम से हुए, इसलिए सनातनी कांग्रेसी थे। और वो जब कांग्रेस ने बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू किया सनातन का, इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने तो कभी सनातन का विरोध नहीं किया। सनातन का विरोध आप कहेंगे कि उनके अलायंस के लोगों ने किया, तो कांग्रेस ने उसका खंडन भी किया कि ये सब कुछ नहीं, आज भावनाओं से जुड़ी बात। खैर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि राजनीति का एक दौर है, ये तो सिर्फ एक बहानेबाजी है कि चलिए एक रास्ता मिलना चाहिए कि इस वजह से किया, हम इस वजह से जा रहे हैं। महेंद्र जी सिंह मालवीय की अचानक कितनी इच्छा जागृत हो गई और इतना प्रेम झलकने लग गया? इससे पहले तो बहुत सारी बात, कितनी चीजें, कहाँ कहाँ क्या हुआ। केरल में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाय का बछड़ा काट दिया था, तब तो इनकी आत्मा परेशान नहीं हुई, कभी जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। एक कांग्रेस डूबता जहाज है, ये बोलिए कि डूबता जहाज है तो उससे निकल करके आपके सही जहाज में बैठ गए वो। अब वो इनका, लेकिन निश्चित रूप से इसमें एक कारण ये भी है कि ये सनातन का विरोध करने वाले लोग थे और आप जैसे कह रहे हो कि कांग्रेस ने नहीं किया, जब कांग्रेस को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण दिया वो किसी राजनीतिक दल का निमंत्रण नहीं था, भगवान राम के मंदिर का निर्माण। चलिए, बीजेपी से टक्कर कितनी मिल रही है आप लोगों को? देखिए, बीजेपी हमारे सामने किसी भी तरह से टक्कर में नहीं है। बीजेपी हमारे यहाँ पे जरूर 70% आदिवासी है और वो आदिवासी सारा बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। आज भी बीजेपी के साथ भी आप ये मान के चल रहे हैं तो, लेकिन आप ये भी खारिज नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि मोदी साहब भी
जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके अगले दिन ही मोदी साहब की सभा भी है वहां पे, कल है, और बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में यहाँ का आदिवासी जाएगा। जब 70% यहाँ का आदिवासी है, और कल आप देखना वहां पे बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग जा रहे हैं। मैं अभी फील्ड से आया हूँ जी जी और मैंने पूरे क्षेत्र में आज प्रवास किया, डूंगरपुर लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर कल के जाने के लिए। मुझे लगता है लगभग 500,000 गाड़ियां यहाँ से जाने वाली है, बसें हैं, क्रूजर है, ऐसे स्वफूर्त लोगों में बड़ा उत्साह है उस कार्यक्रम में जाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, इसके बाद फिजा और बदल जाएगी। अभी हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि हम निश्चित रूप से महेंद्र मालवीय जी जीतेंगे, और बड़े अंतर से जीतेंगे। जीतने का मतलब तो एक वोट से भी जीत सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो 5 लाख के आसपास वोटों से जीतने की पूरी हमारी क्षमता है और कार्यकर्ता लगा हुआ है क्षेत्र में। बिल्कुल, वैसे तो आप लोगों के अनुशासित कार्यकर्ता हैं कि टिकट किसी को भी दे दो और वो चुनाव किसी को भी लड़ा दो, वो सब केवल सिंबल के लिए और मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, ये माना जा सकता है। बिल्कुल सर जी, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को लगा नहीं कि यार जिसका वर्षों से हम विरोध करते आ रहे हैं वही अब उसी के नारे लगाने पड़ेंगे, ऐसा लगता है किसी कार्यकर्ता को कभी? ऐसा देखिए, ये वैसे तो यहाँ पे हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ। हमारे को इंद्रपो हमें का हानि, पार्टी का उम्मीदवार जो भी कमल का सिंबल लेके आता है उसके साथ लग जाते हैं, उनके साथ, और हम सब कार्यकर्ता इसमें टिकट के दावेदार कुछ एक दो लोग होते हैं तो उनके भी मन बना लिया है। अभी ऐसा कारण नहीं है कि इसमें ऐसा है, लेकिन जो अब कमल का लेके आया है और माननीय प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला, उसका भारतीय जनता पार्टी का हर अनुशासित सिपाही कार्यकर्ता सम्मान करता है। जी प्रभु जी, खैर आप जुड़े हमारे साथ में, लेकिन कांग्रेस से वल्लभ राम पाटीदार जुड़ने वाले थे, वो ही अलायंस की ओर से बीएपी और का भी पक्ष रखते, अलायंस का पक्ष वही रखने वाले थे, लेकिन वो पता नहीं जुड़ नहीं रहे। हमने कई कॉल भी किए हैं ताकि वो अपनी बात रख सकें, आपके दावे जी वो अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बात कह सकते हैं, उनको अपनी बात कहनी थी अगर कहीं लग रहा था तो। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, ये कांग्रेस इतनी भयभीत है कि यहाँ पे इनके 5 विधायक जीते हुए, कांग्रेस 5 विधायक एक आप ले गए उनमें से, हाँ एक हमारे साथ आगे तो 4 तो है, जमीन बीच आ गई है। लेकिन इनको कहीं कहीं डर था कि हालात खराब हो जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चुनाव में उनको कैंडिडेट नहीं मिला लास्ट टाइम पे, यानी 1 घंटे पहले एक नाटक स्वांग रचा और एक नाम घोषित किया, वो नाम भी अधिकृत नाम जो था उसने पर्चा अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, कोई और अदर आदमी ने दाखिल किया। और इसके बाद जब विड्रॉल का समय था उस समय वो आदमी भी कहीं भाग गया और स्टैंड है। और वैसे पहली बार मैं तो ऐसा सुन रहा हूँ, मेरा भी लगभग 35 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं सिंबल अलॉट होने के बाद सिंबल को निष्कासित किया जाता, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कांग्रेस का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। चले प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ में जुड़े हैं। कांग्रेस से पाटीदार जी को जुड़ना था लेकिन वो जुड़े नहीं हमारे साथ में, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष तो वही रख सकते थे, और काफी उत्साहित चुनाव है, वहां कड़ा मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर जो हमें जानकारी फील्ड से मिल रही है उसमें बीएपी और भाजपा के बीच ही है। कांग्रेस के कैंडिडेट को डमी रूप में देखा जा रहा है, लेकिन वो अगर कुछ वोट भी खराब करते हैं तो मुझे लगता है उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मुकाबला रोचक है, कांग्रेस से ही पाला बदल करके महेंद्रजीत सिंह मालवीय गए हैं वहां पे, और राजकुमार रोध बीएपी के दूसरी बार विधायक बने हैं, उनसे उनका मुकाबला हो रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल बांसवाड़ा डूंगरपुर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।